फ्रेंड्स, मानी मित्र मंजन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने लगभग 170% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। और अगर आप लास्ट 2 ईयर्स से भी अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी ने कंटिन्यूस जो है बोनस इशू किया है। 2017-2018 दोनों टाइम बोनस इशू किया और काफ़ी अच्छा एवरी ईयर डिविडेंड भी देते आई हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे और रिकॉर्ड डेट क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। ये अगर आप देखेंगे कंपनी है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 485 के ऊपर आज क्लोजिंग थी और इसका 52 वीक लो 433 का है और हाई 582। तो एक लोअर लेवल से ये स्टॉक बाउंस बैक मारा है। तो लोअर रेट्स पे अगर आप ये स्टॉक लेते हैं तो आने वाले समय में फिर जो है ये आपको 500 के ऊपर ईजिली देखने को मिल सकता है। और इसका अगर आप देखेंगे तो 26,000 करोड़ की कंपनी है, शिपिंग कंपनी है और 5 रुपये का फेस वैल्यू इसका है। उसके ऊपर इसने 171% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि लास्ट 2 टाइम्स में बोनस कब कब किया। 2017 में दिया और जो डिक्लेयर किया था 2018 में और जो मिला आपको 2019 में। तो 2 बार कंटिन्यूस जो है कंपनी ने बोनस इशू किया। एवरी ईयर कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, आप देख सकते हैं इजीली। और इस बार 171% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं जून क्वार्टर के भी रिजल्ट्स अवेलेबल है। 1697 करोड़ का टोटल टर्नओवर था, लेकिन मार्च में 1963, जो कि थोड़ा डाउन हुआ। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स की बात करेंगे 227 का, तो इसी के कारण जो है थोड़ा प्रेशर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। लेकिन एक लोअर लेवल से फिर बाउंस बैक करने की तैयारी में है। उससे पहले 352 था। तो नेक्स्ट क्वार्टर में अगर नतीजे और बेहतर आ जाते हैं यहाँ से तो ये स्टॉक जो है इजीली फिर 600 के करीब आपको दिखाई दे सकता है। इसका मैं आपको NSE के ऊपर रिकॉर्ड डेट कब है वो भी दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं NSE के ऊपर ये मैंने डेटा निकाला है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने 8.55 पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया, जो कि 171% का होता है। और एक्स डेट 19 अगस्त 2019, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो 19 अगस्त जो है एक्स डेट है। अगर लेना भी चाहते हैं तो इससे पहले आपको लेने पड़ेंगे। और बुक क्लोजर डेट है 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त, तो इसी के बीच रिकॉर्ड डेट है। तो 27 अगस्त तक आपको होल्ड करना पड़ेगा ताकि आप एलिजिबल रह सको। तो 27 अगस्त के बाद जो है आप इजीली सेल भी इजीली कर सकते हैं इस स्टॉक को। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।